हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 की जो विविध प्रश्नावली है यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल समझा लिए थे यानी विविध उदाहरण मैंने सभी आपको समझा लिए थे। आज के लेक्चर में हमें चैप्टर 5 पर जो विविध प्रश्नावली है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें और देन इसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। तो चलो देखिए, चैप्टर 5 यानी शांति तथा अवकलनीयता पर जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, चैप्टर 5 पर जो विविध प्रश्नावली है इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5 की होल पावर 9 है। होल स्क्वायर क्या है, होल में जो पावर दी है वो 9 दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब ध्यान देना आपको कि इस फंक्शन की पावर 9 है, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना, हिंदी वाले बच्चे हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना, हिंदी वालों को यहाँ पर माना लिखना है, माना इसको y के इक्वल मान लेंगे पहले, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5 की होल पावर 9। अब देखिए, इसका आपको अवकलन करना है तो यहाँ पर क्या लिखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी वालों को क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx, और यहाँ पर पहले अवकलन का सिंबल लगा लो, डेरिवेटिव का सिंबल लगा लो, d अपॉन dx, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की होल पावर 9 ये, ठीक है। अब देखिए, जो ये ब्रैकेट लिखा है इसको मान लो कि x है, पूरे को क्या मानो, x मान लो, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लो, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। आपको क्या पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n माइनस में 1, ठीक है। तो देखिए, जो ये ब्रैकेट लिखा है इसको तो x मान लो और जो 9 है इसको n मान लो, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, तो यानी dy अपॉन dx तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये है x मेरे लिए और ये n है, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n क्या है 9, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5 की पावर 9 माइनस में 1, चाहो तो आप सीधा लिख लो 8, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है और अब आपको इस बेस का करना है, जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना है, d अपॉन dx, मैंने 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 को x माना था, इसका डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से, ठीक है। तो देखिए, अब dy अपॉन dx एज इट इज है, 9 को अभी आप सेम रखो, ब्रैकेट में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 और स्क्वायर, देखिए 9 में से 1 माइनस करो तो कितना बचेगा, 8, यानी 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। अब यहाँ पर देखिए, 3 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, और इसके बाद माइनस सेम है, 9 एज इट इज है, और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आता है मल्टीप्लाई में, और 5 तो कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, dy अपॉन dx इक्वल टू 9 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5 की होल पावर 8। अब देखिए, इन दोनों नंबर में से 0 का मतलब कुछ नहीं है, ये तो हटा दो आप, 0 तो यहाँ पर है ही नहीं मान लो,
तो देखिए इन दोनों नंबर में से कॉमन क्या आएगा, थ्री कॉमन आएगा, तो यहाँ से मैं थ्री कॉमन निकालता हूँ, तो टू एक्स माइनस में थ्री, थ्री जन नाइन, थ्री बच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखिए इस नाइन और इस थ्री की मल्टीप्लाई कर लो, नाइन थ्री जे कितना होगा 27, ठीक है, और फिर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5, जो इसकी होल पावर कितनी 8 है ब्रैकेट की पूरे की, इन टू में 2x माइनस में 3 इसको ब्रैकेट में आप रख लो ऐसे, तो ये आपका आंसर हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जहाँ तक अगर बुक ने सॉल्व किया है तो वहाँ तक भी आप आराम से कर सकते हो, बस आपकी स्टेप सही होनी चाहिए सिंप्लीफाई वाली, ठीक है। तो चैप्टर 5 पर ये विविध प्रश्नावली है। 27 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5 की पावर 8 होल पावर 8 2x माइनस 3, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपको इसको नोट करना है, ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट है। तो ऐसे आपको इसको बिल्कुल सीक्वेंस में नोट करना है, तो यहाँ पर आप आंसर आप लिख सकते हैं, तो इसको पहले नोट कर ले आप। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, विविध प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका अवकलन आपको निकालना है एक्स के सापेक्ष, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो, हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले यहाँ पर, उसके बाद लेट माना, हिंदी वालों को क्या लिखना है माना, इसको मान लो पहले वाई के इक्वल, वाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस की पावर 6x ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ मैं, देखिए साइन एक्स इस क्यूब को आप बाहर लगा लो ब्रैकेट के, होल ब्रैकेट के बाहर कर दो इसको ऐसे, फिर कॉस एक्स की होल पावर 6, ठीक है, कॉस एक्स की होल पावर 6। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट हो क्या रहा है यार, देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर दोनों में अवकलन का सिंबल लगा लो, डेरिवेटिव का सिंबल लगा लो, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की होल पावर 6 है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, देखिए इसको मान लो x और इसको मान लो n, तो x की पावर n का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। देखिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है दोनों जगह यहाँ पर, कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस में 1। देखिए यहाँ पर भी यूज हो जाएगा और यहाँ पर भी यूज हो जाएगा, इसको x मानो इसको n मानो, इसको x इसको n, तो क्या हुआ 3 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सीधा, यानी 3 इंटू में साइन 3 माइनस में 1 होगा, तो 3 माइनस 1 2 होगा, ठीक है, सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पर अब, ठीक है। मैंने क्या बताया है कि इसकी जो घात होती है वो मल्टीप्लाई में आती है पावर, और एक इसमें से पावर कम हो जाएगी, देखिए साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 6 लिखा है ऊपर, तो इसकी जो ऊपर पावर है ये मल्टीप्लाई में आएगी और एक पावर कम कर लेनी है आपको, कॉस स्क्वायर, देखिए पहले इसको दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने एज इट इज रख दिया है, एज इट इज है। अब देखिए सबसे पहले आपको पावर का करना है, तो साइन एक्स का होल क्यूब का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आती है एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आपने साइन एक्स को एक्स माना था, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना है पावर का, तो कॉस एक्स की होल पावर 6 क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगी एक पावर कम हो जाएगी, तो 6 इंटू में कॉस की पावर 5x,
इतना हो जाएगा। फिर इसको आपने एक्स माना है, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, 3 sin² एक्स को इसको सेम रख लो आप पहले। अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होगा, प्लस 6 cos⁵ एक्स एज इट इज है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप सही से लिख लो पहले। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 3 sin x और cos x कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से मैं 3 sin x और cos x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल 1 sin x। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने 1 sin x और 1 cos x कॉमन निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 sin x बच जाएगा, प्लस एज इट इज है। देखिए फिर ये माइनस से प्लस कर लो आप माइनस सीधा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ से साइन एक्स बाहर निकाल दिया मैंने और कॉस एक्स बाहर निकाल दिए एक, और यहाँ से 3 भी बाहर निकाला है मैंने, तो यहाँ तो 2 बच जाएगा 2, और यहाँ पर एक, यानी यहाँ पर एक बाहर आ गया, तो cos⁴x बच जाएगा। ठीक है, और साइन तो मैंने बाहर निकाल दिया पहले ही, तो ये आपका आंसर होगा, आप चेक कर लेना, ये आपका आंसर होगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, समझ गए। ऊपर से बस मैंने क्या किया, यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाला है, और साथ में 3 भी कॉमन था, तो मैंने 3 भी कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ पर केवल 1 sin x बचेगा, और यहाँ पे 2 के साथ में cos⁴x बच जाएगा, और बाकी तो इसको सेम लिख दिया, और प्लस और माइनस माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 5 की विविध प्रश्नावली का देखिए। 3 क्वेश्चन क्या कहता है, 5x³ (3cos⁐x) है, 3 cos⁐x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, और बुक में क्वेश्चन ये लिखा है, ये आप ध्यान दें पहले, 5x³ क्या दिया है, 3 cos⁐x, 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये x यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इन्हें गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा x। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, ठीक है, 5x³ (3cos⁐x) ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सही कर लेना आप। तो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, 5x³ (3cos⁐x) इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद लेट माना, इस क्वेश्चन को y के इक्वल मान लो, इसको मैंने y के इक्वल मान लिया कि y = 5x³ (3cos⁐x) है। ठीक है, ऐसे अब देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो देखिए यहाँ पर लॉग ले लो, तो log y = log 5x³ (3cos⁐x). ठीक है, अब देखिए log y एज इट इज है, पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो 3 (cos⁐x) (log 5x). फॉर्मूला पता है आपको कि log a की पावर अगर b लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b log e। ठीक है, तो ये मैंने यूज किया है फॉर्मूला यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का 1/y हो जाएगा, और y का अगेन dy/dx। ठीक है, अब देखिए 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लो, और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है पूरे का, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे, और d/dx (cos⁐x) और log 5x (cos⁐x) log 5x। ठीक है, अब देखिए 1/y
डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, थ्री को बाहर कर लो। फर्स्ट क्या है, कॉस टू एक्स, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या, लॉग फाइव एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ेंगे यानी लॉग फाइव एक्स को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, ठीक है। थ्री कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, कॉस टू एक्स को मैंने सेम रख लिया है, लॉग फाइव एक्स का, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो लॉग फाइव एक्स का क्या होगा, वन अपॉन में फाइव एक्स, फिर फाइव एक्स का दोबारा करना पड़ेगा तो फाइव एक्स का फाइव प्लस लॉग फाइव एक्स एज इट इज है, फिर कॉस टू एक्स का क्या होगा, माइनस में साइन टू एक्स, और टू एक्स का अगेन कितना होगा, टू, ठीक है। और यहाँ पर फाइव से फाइव कट हो जाएगा। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, इस वाई को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ और इस थ्री की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। तो जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, थ्री कॉस टू एक्स, फिर प्लस, देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा, और इस थ्री का मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ पर, तो कितना आएगा, थ्री टू जै सिक्स, यहाँ पर टू है ना, तो इसको पहले लिख दो, थ्री टू जै सिक्स हो गया। अब लॉग फाइव एक्स और साइन एक्स, इसको लिख लिया मैंने, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, ठीक है। देखिए इस थ्री का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो ये मिल गया मुझे, इस थ्री का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पर भी करना है, तो देखिए पहले प्लस माइनस माइनस लगा दिया मैंने, थ्री टू जै सिक्स हो गया, लॉग फाइव एक्स और साइन टू एक्स, इसको लिख लिया इसे, ठीक है। अब वाई की वैल्यू आपको फिलअप करनी है यहाँ पर, वाई की वैल्यू, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक्स बच गया था, ये एक एक्स, फाइव से फाइव कट हुआ तो यहाँ पर चल रहा वन एक्स, तो ये एक्स आएगा इसके अपॉन में नीचे, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ पर देखिए आप, जहाँ पर आपने क्वेश्चन को y माना है, इसको आपको समीकरण एक माना है, मतलब मानना है, ठीक है। क्या मानना है, समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर dy वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, फाइव एक्स की होल पावर थ्री कॉस टू एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, थ्री कॉस टू एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। माइनस में देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्स को लिख रहा हूँ, फिर इस साइन टू एक्स को लिख लो आप, सिक्स साइन टू एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले सिक्स को लिखा, फिर साइन टू एक्स को लिखा, फिर लॉग फाइव एक्स, लॉग फाइव एक्स, ठीक है। अब इस आंसर को आप चेक कर लो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल क्लियर। एक बार इसको नोट कर लेते, ठीक है, नोट कर लो पहले एक बार इसको, और इसका आंसर चेक कर लेते पहले, इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5. चैप्टर 5 की विविध प्रश्नावली है, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है ये 3, 5x, 3 cos 2x, ठीक है। इसके बाद 3 cos 2x अपॉन x माइनस में 6 sin 2x log 5x, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको इसको नोट कर लेना है, तो पहले इसको नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके लेट माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना इसको y के इक्वल मान लो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा पहले, इसको सही से लिख लो पहले एंगल को,
साइन इनवर्स, देखिए एक्स इसको सेम लिखो, और रूट एक्स है तो इसको लिख लो एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पावर 1 होगी, बेस सेम होने पर पावर से ऐड होंगी, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कितना होगा, बेस सेम है पावर ऐड कर लो, 2 1 2 एक 3, 3/2 पावर कितनी होगी, 3/2, ठीक है, ऐसे हो गया। अब सुनिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, तो पहले सिंबल लगा लो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 का बताना है, ठीक है, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए ध्यान से, पहले साइन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर 3/2 को मान लो कि एक्स लिखा है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स मैंने किसको माना है, एक्स की पावर 3/2 को माना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको एक्स माना है उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, एक्स मैंने किसको माना है, एक्स की पावर 3/2 को, तो एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, 2 से 2 कट हो जाएगा क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई पावर से होगी, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस में एक्स क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लो, n, n क्या है 3/2, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर x क्या है, x ही है, n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस में 1, ऐसे होगी पावर, ठीक है। अब देखिए dy वाई अपॉन डी एक्स रख दिए एज इट इज, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और 3/2 एज इट इज है, इसको माइनस करो, 2 1 2 एक 3, ठीक है, 2 1 2 3 में से 2 माइनस करना है तो कितना होगा, देखिए इसको माइनस कर लो, 2 1 2 और 3 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब ध्यान देना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 3/2 इसको तो पहले लिख लो आप, 3/2 ऐसे लिख दिया मैंने इसको, और रूट 1 माइनस में एक्स क्यूब, और इसके बाद देखिए यहाँ पर x, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करो x की पावर 1/2 को लिख लो ऊपर, x की पावर 1/2, ठीक है। अब ध्यान देना डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने क्या किया, देखिए 3/2 को तो पहले लिख दिया मल्टीप्लाई में, x की पावर 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको ऊपर लिख दिया है। अब देखिए 3/2 तो इसको ऐसे रख दो आप, x के ऊपर 1/2 पावर है, इसका मतलब रूट एक्स होगा, अपॉन में क्या चल रहा है, रूट 1 माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए दोनों में रूट है, इसको अगर थोड़ा सा आप सही करके लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 एक ही रूट में दोनों वैल्यू, एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, इसको पहले एक बार आप चेक कर लें और इसको नोट कर लें फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन रूट 2x+7, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, ठीक है। एक तो क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अंश यानी अंश बटे हर का अवकलन वाला, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे लॉग ले लो आप, लॉग लेने से जल्दी सॉल्व होता है, तो मैं इसको आपको लॉग लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर अंश बटे हर का फॉर्मूला यूज कर लो, और दूसरा क्या है कि लॉग लेकर इसको सॉल्व कर लो। लॉग लेकर सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहता है, तो मैं इसको लॉग लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन, अंश बटे हर तो आपने सीख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट माना
इसको पहले y के इक्वल मान रहा हूँ, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई टू अपॉन अंडर रूट 2x+7। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले लॉग लूँगा मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, हिंदी में क्या लिखना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग y, फिर लॉग कॉस इनवर्स x बाई टू अपॉन में रूट 2x+7। ठीक है, अब देखना ध्यान से, लॉग y एज इट इज है, लॉग के आगे अगर दो नंबर फ्रैक्शन में है, आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग a अपॉन b यदि लिखा है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस में लॉग b, अगर लॉग के आगे नंबर डिवाइड में आते हैं तो वो माइनस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए, इसको a मानो, इसको b मानो, तो लॉग a, ये यानी कॉस इनवर्स x बाई टू माइनस, फिर लॉग b, b यानी अंडर रूट 2x+7। ठीक है, अब देखिए, लॉग y को तो आप सेम रखो, लॉग कॉस इनवर्स x बाई टू, इसको भी अभी मैंने सेम रख लिया, ठीक है, माइनस में लॉग, अब देखिए इसके ऊपर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी हाफ पावर कर लो आप, 1/2 पावर। ठीक है, अब देखिए, लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स x बाई टू एज इट इज है, पावर मल्टीप्लाई में आएगी लॉग a की पावर b, b लॉग a होता है, पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो लॉग 2x+7। ठीक है, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो लॉग y का क्या होगा, 1/y, y का x के सापेक्ष dy/dx। ठीक है, और देखिए log x, ठीक है, तो ये log x लिखा हुआ है, तो log x क्या होगा, 1/x, x मैंने किसको माना था, इसको माना है, तो cos इनवर्स x बाई टू हो जाएगा, log x का क्या होगा, 1/x, और x मैंने इसको माना है पूरे को, यानी cos इनवर्स x बाई टू को मैंने x माना है, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा, cos इनवर्स x बाई टू। ठीक है, फिर देखिए 1/2 एज इट इज है, log x का क्या होता है, 1/2x, यानी 1/2x+7 हो जाएगा, देखिए log x का क्या होगा, 1/x, लेकिन x के स्थान पे 2x+7 है, तो log 2x+7 का क्या होगा, 1/2x+7, 1/2x+7। ठीक है, log 2x+7 का क्या होगा, 1/2x+7, फिर इसको x माना है, इसका दोबारा करना है, d/dx 2x+7 का दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने x माना है। ठीक है, चलो अब ऊपर से देखिए इसको, और यहाँ पर देखिए, जहाँ आपने इसको y माना है, वहाँ आपको समीकरण एक मान के छोड़नी है, तो इसको आपको याद रखना है, इसको अभी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड में लिखता हूँ कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई टू पॉन में रूट 2x+7। ठीक है, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, इसका यूज करना पड़ेगा लास्ट में। अब देखिए 1/y dy/dx एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/cos inverse x/2 सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos inverse x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/√1 - x2। x क्या है, x बाई टू है, x बाई टू का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ में माइनस लगा रखा है। ठीक है, चलो अब देखिए x बाई टू को मैंने x माना है, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, x बाई टू का क्या होगा, 1/2, क्योंकि 1/2 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस वन अपॉइंट टू एज इट इज है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में वन अपॉइंट टू एक्स प्लस सेवन, इसको सेम रख लिया है। और यहाँ पर देखिए हम टू एक्स प्लस सेवन का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स प्लस सेवन का टू तो कांस्टेंट है, एक्स का वन, कांस्टेंट का जीरो, यानी केवल कितना होगा, टू होगा, ठीक है, तो आप लिख सकते केवल टू वहाँ पर। इसके बाद देखिए वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, ठीक है, वन अपॉन कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, इसको सेम लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए आप माइनस वन है ऊपर और रूट के अंदर, पहले इसको सॉल्व करो आप रूट को, तो वन सेम रहेगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू में वन अपॉन टू, ठीक है, माइनस इस टू से ये टू कट हो जाएगा, फिर कितना बचेगा माइनस, तो ये है वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन बच जाएगा, वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, ठीक है, ये माइनस और ये वन अपॉन टू को आप ना पहले लिख लो, तो माइनस देखिए वन वन जब वन माइनस वन अपॉन टू मैंने पहले लिख दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, वन अपॉन कॉस इनवर्स एक्स बाई टू चल रहा है, इसको लिख लो पहले। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बच जाएगा वन अपॉन, यहाँ पर वन मान लिया, वन अपॉन में क्या चल रहा है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो आप, तो देखिए क्या होगा, जैसे एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पर कितना आएगा, फोर वन जब फोर और यहाँ पर वन मान लो और एक्स का वन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के वन से एक्स स्क्वायर, फोर वन जब फोर अपॉन में फोर, ये रूट में पूरा, ठीक है। क्या किया, इस वन अपॉन टू को पहले लिख दिया, इस माइनस को लिख दिया पहले, फिर ये अपॉन में चल रहा था इसको सेम लिख दिया, ये भी अपॉन में था ये भी सेम लिख दिया है, अब माइनस में क्या चल रहा है, वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन। अब देखिए इस वाई को ले जाओ उधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर वाई आ गई इधर मल्टीप्लाई में माइनस में वन अपॉन टू और मल्टीप्लाई में, इसको चाहिए आप ऐसे लिख लो, देखिए वन वन जा वन माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, एक साथ लिख लो इसको, ठीक है, ऐसे। फिर देखिए वन सेम रहेगा, रूट के अंदर फोर माइनस में एक्स स्क्वायर मैंने सेम लिख दिया है, अब रूट फोर देखिए फोर का रूट क्या होगा, टू होगा, तो बाहर आके केवल यहाँ पर टू बच जाएगा ऐसे, ठीक है, चलो। अब क्या होगा, तो बाहर आके जब यहाँ पे टू बच गया, तो अब इसको माइनस है, ये आपको सेम लिखना है, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन एज इट इज है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखना ध्यान से, ये टू ऊपर जाएगा पलट के, ठीक है, देखिए यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन है, ऊपर वाले की फ्रैक्शन नहीं थी, तो यहाँ पर वन मान लो, तो ये टू ऊपर जाएगा पलट के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, वाई की वैल्यू फिल कर लो, वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू ये है समीकरण एक से, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू वाई की वैल्यू है अपॉन में अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन, ये वाई की वैल्यू मैंने फिल कर दिया है, ठीक है, समीकरण एक से। और यहाँ पर देखिए ये टू ऊपर जाएगा पलट के, तो जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो इस टू से फिर ये टू कट हो जाएगा, यानी इस टू से हो जाएगा ये टू कट, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस में वन अपॉन वन वन जब वन माइनस का वन, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू और रूट के अंदर फोर माइनस में एक्स स्क्वायर, इतना बच जाएगा, ठीक है, फिर माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन एज इट इज है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ध्यान से, इसका आपको मल्टीप्लाई कराना है अंदर ब्रैकेट में, तो देखिए आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, अगर बुक का आंसर आपको मैच करना है तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं अंदर, ठीक है, तो जैसे ही इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो इस नंबर से ये नंबर कट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वन और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो टू एक्स प्लस सेवन रूट के अंदर और इनटू में, इसको अभी आप काटना मत, ठीक है, क्योंकि इस नंबर से ये नंबर कट गया, ऐसे मान लेना आप, जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई किया तो इससे ये आपस में कट जाएगा,
तो ऊपर माइनस वन बचेगा और अपॉन में रूट टू एक्स प्लस सेवन बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। चलो अब इस सेम नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा तो माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, और अपॉन में देखिए अपॉन में ये नंबर आएगा इसके साथ में तो रूट टू एक्स प्लस सेवन और इनटू में टू एक्स प्लस सेवन एज इट इज, ठीक है। चलो ब्रैकेट आप चाहो यहाँ से हटा लो अब, ठीक है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करना है इसको तो और सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। इसके बाद यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से माइनस कॉमन निकालना हो तो माइनस मैंने कॉमन निकाला बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन में रूट टू एक्स प्लस सेवन और फिर मल्टीप्लाई में रूट फोर माइनस में एक्स स्क्वायर, इतना बच जाएगा इधर, ये सेम लिख दिया है। जब माइनस कॉमन आ गया तो ये नंबर प्लस का हो गया ये वाला, और ये नंबर भी प्लस का बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ऊपर क्या चल रहा है, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, और देखिए इसके ऊपर रूट है तो इसके ऊपर रूट है इस नंबर के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी पावर वन अपॉइंट टू होगी। रूट का मतलब क्या होता है, वन अपॉइंट टू पावर होती है, तो देखिए हाफ पावर यहाँ पर है और वन पावर इस ब्रैकेट की होगी। देखिए इन इनका बेस सेम है, टू एक्स प्लस सेवन, टू एक्स प्लस सेवन पावर ऐड होगी, तो ऐड होके कितना होगा, देखिए टू वन जब एक थ्री, यानी टू एक्स प्लस सेवन की होल पावर कितनी होगी, थ्री बाई टू ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखिए ठीक है। यहाँ पर क्या किया, बेस सेम होने पे पावर से ऐड होगी इसकी, और ये मैंने सेम लिख लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है बाहर, तो ये आपका आंसर है। इसको एक बार चेक कर लेती है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये विविध प्रश्नावली का फाइव क्वेश्चन है, माइनस बार कॉमन लिया है, ठीक है बिल्कुल। वन अपॉन फोर माइनस में, फोर माइनस में एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है, टू एक्स प्लस सेवन, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, टू एक्स प्लस सेवन की होल पावर थ्री बाई टू, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले, और आज के लेक्चर को बेसिकली हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।